अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मान अशरफ, कोयटा फूड के साथ एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज हम खड़े हैं जीवन मार्केट, जहां पे हैप्पी कोक एंड बुल बर्गर, इनका नाम बड़ा यूनिक रखा हुआ है इन्होंने। तो हम इनसे बात करेंगे कि आपके बर्गर में ऐसी क्या चीज़ है कि लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वाले सलाम जी। सर क्या हालत भैया? ठीक है सर। आपके बर्गर का नाम हैप्पी बर्गर जी। और हैप्पी क्यों नाम इस पर रखा हुआ है? वैसे हैप्पी नाम रखा है, मतलब बर्गर खा के बंदा हैप्पी हो जाता है जी। तो कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए इधर। 20-22 साल हो गए जी। तो आपके बर्गर में ऐसी क्या चीज़ है कि हर बंदा खा के कहता है माशाल्लाह बड़ा अच्छा बर्गर? चीज़ स्पेशल आते हैं ना, एक नंबर चीज़ ले आते हैं सब कुछ। एक नंबर चीज़ ले जी जी। तेल फ्रेश होता है? हाँ जी फ्रेश होता है। जो मायो वगैरह आपके पास रखी हुई है और केचप है जी, वो भी फ्रेश होता है? डेली बनाते हैं? हाँ जी बिरयानी हम डेली बनाते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि जो अभी आप बर्गर लगा रहे थे यहाँ जी जी, तो बर्गर का मियार आप दिन ब दिन बेहतर करते हैं कि जो आपने शुरू से रखा हुआ वही है? जो शुरू का रखा है वही है। तो कस्टमर आपके पास डेली आते हैं? हाँ जी। दूर दूर से? हाँ जी। तो आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं? जी देते हैं। अभी आप ये चिप्स निकाल रहे हैं, फिंगर चिप्स? हाँ जी। तो ये फिंगर चिप्स आपको बिल्कुल फ्रेश तेल में डाली हुई है? अच्छा आपने रखा हुआ है बुल बर्गर नाम? जी जी जी। तो बुल बर्गर का क्या मतलब? ये बुल बर्गर का मतलब है बैल मुर्गा। बैल मुर्गा? हाँ जी। मतलब बैल भी मुर्गा भी? हाँ जी। दोनों का बर्गर खिलाते हैं जी। तो आपको कितनी देर हो गई ऐसे? 24 साल हो गए जी। 24 साल हो गए इधर। 24 साल हो गए जी जी। तो जब आपने यहाँ पे अड्डा लगाया था जी, तब आपने सोचा था कि यार माशाल्लाह मेरी दुकान इतनी चल जाएगी? हमें अड्डा लगाया कुछ भी नहीं होता था इधर मार्केट में। अच्छा हम माशाल्लाह इतने दोनों को होते इधर, पुराने हैं काफ़ी। हाँ जी। तो अभी आपने कितने बंदे काम पे रखे हुए हैं? हमारे पास 7-8 बंदे काम करते हैं। जो आप लेते हैं मैदा वगैरह चिकन वगैरह, वो डेली बेस पे लेते हैं? ताज़ा होता है। ये तो नहीं फ्रीज से निकाल के आपने रखा? नहीं नहीं फ्रीजर से नहीं होता, पक्की बात है जी। तो आप अपने बर्गर की खासियत बताएं हमें कि लोग आपके पास दूर से क्यों आते हैं? हमारे पास हर चीज़ एक नंबर होती है, हम फ्रेश बनाते हैं हर चीज़ ही। तो कोई ऐसा टोटका जिस जो आपने डाला हो बर्गर में? नहीं कोई टोटका नहीं, हर चीज़ एक नंबर है हमारी। नॉर्मल लोगों की तरह बनाते हैं? हाँ जी। फिर उनका काम इतना क्यों नहीं, आपका माशाल्लाह काम क्यों? हमारा काम चीज़ फ्रेश लेते हैं ना, हर चीज़ होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियासत अली। रियासत अली। तो आप ओनर है दुकान के? नहीं बड़ा भाई ओनर है। बड़े भाई ओनर? हाँ जी। आप भी यहाँ पे काम करते हैं जी? तो बड़े भाई आपके किधर है? बड़े भाई अभी आने वाले हैं। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे काम करते हैं? जी सर मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते। 5 साल हो गए। सैलरी बेस? हाँ जी जी सर। तो आप यहाँ पे चिप्स निकालने काम करते हैं या आप सारा काम कर लेते हैं? ऑल ओवर सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हैं? हाँ जी। माशाल्लाह अच्छी बात है। तो बेसिकली जो आपके उस्ताद है प्यार से रखा हुआ है? जी सर इनके इखलाक की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। इखलाक की वजह से? तो माशाल्लाह बर्गर मैंने ना हैप्पी बर्गर का बड़ा नाम सुना, मैं नाम सुन के यहाँ पे आया हूँ। तो नाम आपने जो हैप्पी बर्गर नाम रखा, तो सोचा था कि इतना मशहूर हो जाएगा? नाम जिन्होंने रखा है माशाल्लाह कुछ सोच समझ के रखा होगा, और हैप्पी माशाल्लाह नाम तो बहुत अच्छा है। नहीं मतलब हैप्पी मतलब होता है कि बंदा ना अच्छे मूड में होता है, बर्गर खा के आपका हैप्पी हो जाता है, डांस करने लग जाता है? नहीं डेली बेस पे जो यहाँ कस्टमर आते हैं वो माशाल्लाह हैप्पी होकर ही आते हैं और बताकर जाते हैं कि हम लोग हैप्पी होकर जा रहे हैं। अच्छा हैप्पी होकर जा रहे हैं। माशाल्लाह जी ये इनकी शॉप है जीवन मार्केट में, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी शॉप के बारे में पूछा हमने। तो आप जब भी आए जीवन मार्केट तो इनसे बर्गर ज़रूर खाइए, क्योंकि इनके बर्गर का नाम हैप्पी बुल बर्गर एंड को। अपने नुमान अशरफ को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।